श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। संतान सुख और बच्चों की उन्नति के लिए सनातन धर्म में कई महत्वपूर्ण व्रत किए जाते हैं, जैसे जीतिया व्रत, संतान सप्तमी, छठ पूजा और अहोई अष्टमी। कार्तिक माह में आने वाला अहोई अष्टमी का व्रत पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शंकर माता पार्वती की उपासना कर संतान के उज्ज्वल भविष्य और वंश में वृद्धि की कामना करती है। अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 रविवार के दिन है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चे की भलाई के लिए उषा काल भोर से लेकर गौधुली बेला सांझ तक उपवास करती है। शाम को आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत को तोड़ती हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 को प्रातः 12:59 से शुरू होगी और अगले दिन 6 नवंबर 2023 को प्रातः 3:18 पर खत्म होगी। अहोई अष्टमी पर जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 5:33 से लेकर शाम को 6:52 तक रहेगा। तारों को देखने का समय शाम को 5:58 का होगा। चंद्रोदय का समय प्रातः 12:02 से लेकर 6 नवंबर को शुरू होगा। अहोई अष्टमी का चंद्रमा देर से उदित होता है। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। जिन लोगों को गर्भधारण करने में समस्या आती है वे इस दिन श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। मान्यता है इसे सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। राधा कुंड स्नान का जो समय रहेगा वो 5 नवंबर 2023 को रात 11:37 से लेकर 6 नवंबर 2023 को प्रातः 12:39 तक रहेगा। इसकी अवधि 52 की होगी। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ उनके पूरे परिवार यानी भगवान कार्तिक और गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली पर रखें और व्रत कथा सुनने के बाद गाय को खिला दें। पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण, जरूरतमंदों या गाय को भोजन कराना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे में बगीचे आदि में भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीजों का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे सिलाई जैसे सिलाई आदि से जुड़े कार्य भी नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान या अनादर ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें। साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तारों को अर्घ देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे से बने लोटे का इस्तेमाल ना करें। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद सायंकाल संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ करना चाहिए। और इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए आपको गेरू या कुमकुम का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूड़ी, मिठाई आदि को भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। अहोई अष्टमी से लेकर 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक पशु शावक स्याहू के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। कुछ
कुछ ही दिनों के पश्चात वर्ष भर में उसके सातों बेटे एक के बाद करके मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने गांव में आए सिद्ध महात्मा को विलाप करते हुए पूरी घटना बताई। महात्मा ने कहा कि तुम उसी अष्टमी को भगवती अहोई माता की शरण लेकर स्याहू और बच्चे का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत और पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके सातों पुत्र जीवित हो गए। तभी से महिलाएं संतान के सुख की कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।